जुले में नमस्कार, मैं जिमित ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये लद्दाख मैराथन का अभी फिनिशर एंड और स्टार्टिंग एंड, तो 9th एडिशन 8 से स्टार्ट हो चुका है। कोविड के बाद 2 साल के बाद ये स्टार्ट हुआ है मैराथन। तो इसमें नया जुड़ा था लद्दाख सिल्क रूट अल्ट्रा, जो 122 किलोमीटर का था वो ऑलरेडी हो चुका है। खरदोंगला चैलेंज भी ऑलरेडी हो चुका है और आज हुआ है 42 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर। तो आइए चलते हैं दोस्तों हम लद्दाख मैराथन की ओर। अभी हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं फुल मैराथन के फर्स्ट मेल, तो आइए जानते हैं हम उनसे। तो आपका नाम? मेरा नाम नवान सिंह है। तो आपका टाइमिंग क्या था? 2 hours 41 minutes 42 seconds था मेरा बेस्ट टाइमिंग ये लद्दाख का। तो जब आप यहाँ से दौड़ रहे थे, यहाँ से कवरअप कर रहे थे, आप क्या सोच रहे थे, क्या आज मैं फर्स्ट निकलूँगा या आज मैं पोजीशन कुछ आएगा आपका? मेरा टाइमिंग के मेरा पोजीशन की कुछ मतलब नहीं था, क्योंकि मेरा टाइमिंग इम्प्रूव की ज़रूरत था। जब मेरा टाइमिंग इम्प्रूव हो जाएगा खुद ब खुद पोजीशन आ जाता था, इसलिए मैंने सोच के दौड़ा था। मेरा टाइमिंग इम्प्रूव करना है बस, इस इतना सोच के मैं दौड़ा था बस। तो दिन में आप कितने दफ़ा या कितने बार प्रैक्टिस करते थे, सुबह हो या चाहे शाम हो? हम लोग तो सुबह शाम दोनों प्रैक्टिस करते थे, सुबह थोड़ा लंबा दौड़ते थे, शाम को या इजी करते थे। तो इसमें आप जो आप रनिंग की बात करते हैं, तो इसमें आपका सबसे सहयोग किसने डाला, आपका सपोर्ट किसने डाला? सपोर्ट हम सब लोगों ने डाला था, एक लद्दाख पुलिस आईजी डीआईजी एसपी साहब लोसर साहब है, और लमडोन स्कूल का सोसाइटी, लमडोन स्कूल का प्रिंसिपल और का ईशी तुंडुप का, और एक अचले था अचले पुंसो अंगमो और रिमो खांगटुप का सपोर्ट था पूरा। तो लद्दाख मैराथन के अलावा भी आप किसी और में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं? हाँ जी, इस यही उम्मीद करके हम लोग दौड़ा था, और खांगटुप ने भी पूरा फुल सपोर्ट करता था पहले, इस साल भी हम लोग पूरा उम्मीद रखते हैं कहाँ से यही है। अभी हमारे साथ फुल मैराथन फीमेल कैटेगरी के जो विनर है वो हैं अभी साथ में। तो मैम, आपका नाम? मेरा नाम जिग्मे टोलमा है। जिग्मे टोलमा, तो आप फर्स्ट पोजीशन पे आए, तो उसके बारे में आप थोड़ा क्या कहेंगे? मैं फर्स्ट पोजीशन आया तो मैं बहुत खुश हूँ, बट मेरा टाइमिंग अच्छा नहीं आया, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस के दौरान मेरा थोड़ा इंजर्ड हुआ, इसीलिए मुझे आज टाइमिंग इम्प्रूव नहीं हुआ, इसलिए आई एम नॉट एक्साइटेड। तो आप यहाँ से दौड़े, तो आपके मन में क्या था जब आप दौड़ रहे थे कि टाइमिंग इम्प्रूव करना था या मैं फर्स्ट किसी भी तरह आना आऊँगी? मैं स्टार्टिंग पॉइंट में मैं ये सोचा था कि मैं पूरा टाइमिंग के ऊपर मैं फोकस था, कि मैं आज मैं 3 hours या 250 समथिंग में ऐसा टाइमिंग टारगेट करके मैंने रनिंग किया। 15 किलोमीटर के बाद मेरा पूरा इंजर्ड स्टार्ट हुआ, तो मेरा टाइमिंग अच्छा नहीं हो पाया। तो इस लद्दाख मैराथन के अलावा भी आप कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट करने जा रहे हो इसके बाद? इसके बाद हम दिल्ली मुंबई पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं।